नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बारिश में भीग कर अपनी ड्यूटी कर रहे सिपाही को डीआईजी ने किया पुरस्कृत। बारिश में भीग कर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे सिपाही से खुश होकर यातायात पुलिस के सिपाही अशोक कुमार को एटीएस के डीआईजी विकास वैभव ने बीते दिन पुरस्कृत किया है। मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी लंच के समय में अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहे थे। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, इसी वजह से अनिसाबाद गोलंबर के पास उनकी नजर एक सिपाही पर पड़ी। सिपाही अपनी बाइक से घूम घूम कर जाम को छुड़ाने में लगा हुआ था, उसे बारिश में भीगने की परवाह नहीं थी। डीआईजी विकास वैभव काफी देर तक सिपाही की कर्तव्य निष्ठा को देखते रहे। इसके बाद सिपाही को अपने बॉडीगार्ड से उसे बुलाने को कहा। सिपाही के पहुंचने पर विकास वैभव ने उन्हें वेल डन कहा, जिसके बाद डीआईजी ने उन्हें 2500 रुपए पुरस्कृत किया। इसके साथ ही उनका नाम पता पूछकर प्रशस्ति पत्र दिया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। आगामी विधानसभा चुनाव में कोविड-19 का सामना करने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इसी क्रम में चुनाव का सफलतापूर्वक समापन करवाने के लिए नए आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोग ने बीते दिन इस बार अपने आदेश में एक और बदलाव किया और साफ तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में तैनात होने वाले प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में स्टेट हेल्थ नोडल अधिकारी को तैनात कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव संजीव कुमार ने स्टेट हेल्थ नोडल अफसरों के तौर पर डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। बीते दिन वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर अश्विनी कुमार चौबे ने दी शुभकामनाएं। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सक दिवस पर बिहार के भौतिक चिकित्सकों निरुपमा हेल्थ सोसाइटी ट्रस्ट के अंतर्गत कोविड-19 में भौतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित करवाया गया था। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता एम्स दिल्ली भौतिक चिकित्सक डॉक्टर प्रभात रंजन ने इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। साथ ही इस वेबिनार में बिहार के विभिन्न जिलों से 100 से ज्यादा भौतिक चिकित्सकों ने भाग लिया था। वेबिनार का संचालन डॉक्टर अश्विनाश चौधरी, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर सीमा कुमारी, नवनीत कृष्णा और डॉक्टर आलोक कुमार ने किया। वहीं अश्विनी कुमार चौबे ने भी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर फिजियोथेरेपी से जुड़े सभी भौतिक चिकित्सकों को ढेरों शुभकामनाएं दी है। वहीं उन्होंने कहा कि बदलते आधुनिक परिवेश में फिजियोथेरेपी की मांग आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को स्वस्थ रखने में फिजियोथेरेपी की भूमिका काफी अहम है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल पर हम बात करेंगे तथागत अवतार तुलसी की। तथागत अवतार तुलसी का जन्म बिहार के एक मध्यवर्गीय परिवार में 9 सितंबर 1987 को हुआ था। आपको बता दें, पटना निवासी तुलसी नारायण के 3 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे तथागत थे। तथागत के सबसे बड़े भाई नॉर्थ ईस्ट में एक सेंट्रल स्कूल के सीनियर टीचर है, वहीं नंबर 2 पटना में रहकर वकालत कर रहे हैं। तुलसी की विलक्षणता का एहसास उनके माता पिता को उनके 6 साल के होने पर ही हो गया था, जब उन्होंने 9 साल की उम्र में हाई स्कूल पास की थी और 10 साल की उम्र में बीएससी और 12 वर्ष की उम्र में एमएससी की परीक्षा 70.5% अंकों के साथ पास कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। यही नहीं, तथागत ने 21 साल में प्रवेश करते हुए इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बैंगलुरु के डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। वहीं 23 साल की उम्र में IIT मुंबई में तथागत को बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपने साथ जोड़ लिया था। अगस्त 2009 में उन्होंने जनरलाइजेशन क्वांटम सर्च विषय पर PhD प्राप्त की। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम हो रही स्थिति पर हाईकोर्ट दिखा सख्त। बिहार में लगातार स्वास्थ्य विभाग को हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से जवाब तलब करने का आदेश जारी किया है। इसी क्रम में बीते दिन चौथी बार स्वास्थ्य विभाग में पटना हाईकोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 को लेकर दायर था दर्जन मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर दुख जताया और कहा है कि कोविड-19 मरीज की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, इसे निजी तौर पर वाकिफ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट का एक स्टाफ कोविड-19 संक्रमित हो गया था, उसके इलाज में बरती गई लापरवाहियों को देखकर हाईकोर्ट के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसके तहत अधिवक्ता दीनू कुमार और ऋतिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने RT-PCR जांच के बारे में बताना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि सरकार हर दिन 11,000 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हर दिन 4,000 से भी कम जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2669 पद और हाईकोर्ट में 1041 पद पर निकाली गई रिक्तियां। स्वास्थ्य विभाग ने 2669 नए पदों पर बहाली करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट में 980 पदों के लिए सृजन की मंजूरी भी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले बिहार निवासी के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के साथ ही राज्य के सभी 8463 पक्षों के कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के लिए बिहार आकस्मिक निधि में
39 करोड़ की निकासी की स्वीकृति भी दे दी गई है। देर शाम चली कैबिनेट बैठक में 60 प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मध्यपुरा में MBBS की 100 सीटों के लिए 356 पदों को स्वीकृति प्रदान कर 270 पद कॉलेज हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तालाब कुआं और पैन का डाटाबेस होगा तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के दौरान जल जीवन हरियाली के तहत बिहार के आहर पैन तालाब पोखर और चापाकल को चिन्हित कर उनका डेटाबेस तैयार करने का आदेश जारी किया है। खासकर उत्तरी बिहार के जिलों में आहर पैन का रिकॉर्ड रखने की बात कही गई है क्योंकि आहर पैन एक दूसरे से लिंक्ड है। यह भी निर्देश दिया गया है कि मार्च तक सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का काम पूरा कर लिया जाए। सार्वजनिक चापाकल हर हाल में काम करना शुरू करे और चापाकल की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग निरंतर निगरानी में भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन की सुविधा जल्द होगी शुरू। बिहार के दरभंगा जिले से विमानों के परिचालन की सुविधा जल्द ही शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है। जारी किए गए ट्वीट के अनुसार यह लिखा गया है कि दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द ही नागरिक उड्डयन मुहिम की शुरुआत होने वाली है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा से अन्य हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही विमानों की सेवा शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ AAI ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि 92 करोड़ की लागत से दरभंगा में एक अंतरिम सिविल एनक्लेव का निर्माण भी करवाया जा रहा है। पटना में अत्याधुनिक डेटा सेंटर की हुई स्थापना। राजधानी पटना में अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद राजधानी पटना में स्थापित अत्याधुनिक डेटा सेंटर बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों की नदियों के जल स्तर संबंधी पूर्वानुमान को जारी कर सकता है। बिहार में इसके लिए अन्य राज्यों को सहायता की पेशकश भी की गई है। यह डाटा सेंटर नदियों से लेकर हर तरह की जानकारी मुहैया करवाने में सक्षम है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी और जल संसाधन विभाग के निसाबाद परिसर में इस डेटा सेंटर का उद्घाटन और जल ज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया है। इस डेटा सेंटर का 26 अगस्त को वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधुनिक डेटा सेंटर का कर दिया था, जिसके बाद इस बाबत जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना रहा है। इस सेंटर के बाद अलग अलग स्थानों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का स्वचालित रूप से संग्रहण हो सकेगा। सेंट्रल इमरजेंसी से मिलेगी 9 मॉडल OT की सुविधा। PMCH की सेंट्रल इमरजेंसी से अब मरीजों को 9 मॉड्यूलर OT की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सेंट्रल इमरजेंसी में पहले से ही 4 मॉड्यूलर मौजूद थे सर्जिकल इमरजेंसी में और 5 मॉड्यूलर के निर्माण किए जा रहे थे। सर्जिकल इमरजेंसी बन जाने से अब 10 सितंबर या 11 सितंबर को होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी दिन सर्जिकल इमरजेंसी का उद्घाटन भी किया है। अधीक्षक डॉक्टर नवल कारक ने इस बाबत बताया है कि सर्जिकल इमरजेंसी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसके साथ ही OT की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मरीजों को अब किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी को नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। जानकारों की माने तो मेडिकल इमरजेंसी 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। रिया चक्रवर्ती को लेकर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कही अहम बात। NCB की तरफ से रिया चक्रवर्ती के सलाखों के पीछे भेजवाने के बाद बिहार की पुलिस की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में NCB के इस कदम के बाद DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि यह बिहार की जीत है। सुशांत के गुजर जाने से पर्दा उठाने का बस अब इंतजार हो रहा है। जांच में तो यह साफ हो गया है कि रिया के संबंध कैसे लोगों के साथ थे, वो कैसे रह रहे हैं और इसके लिए या उसके लिए वो इन सभी का सेवन कर रही थी। कहने को तो हम कुछ भी बहाना बना सकते हैं। रिया को सलाखों के पीछे भेजने से मैं उत्साहित नहीं हूं। सुशांत और उसके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स रहेंगे गायब। IPL 2020 के लिए सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा है। इसी बीच आगामी इंडियन प्रीमियर लीग ने 13वें संस्करण से पहले मौजूदा समय में जारी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की वजह से इस लीग की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की कमी खलने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स में इंग्लैंड के सैम कुरैन और ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड मौजूद है। वहीं राजस्थान रॉयल्स में मोइन अली, एरोन फिंच, एडम जंपा का नाम शामिल है। राजस्थान रॉयल्स को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इस टीम में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ, जेफ्रो आर्चा, एंड्रयू स्टोइस, बेन स्टोक्स और टॉम कुरैन का नाम शामिल है। नई दिल्ली कैपिटल्स के अंतर्गत स्टोइनिस और एलेक्स कैरी इस बार मौजूद नहीं होंगे। वहीं KKR की बात करें तो इसमें इयान मॉर्गन और पैट कमिंस का नाम शामिल है। हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से किया इनकार। बिहार में प्राइमरी शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने अपना पक्ष एक बार फिर से साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार और उच्च स्तर के याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार राज्य सरकार ने
ने 15 जून 2020 को आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में CTET परीक्षा में भाग लेने का फैसला लिया है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में CTET पास में द्वारा इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर तेजस्वी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। इन दिनों बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। वहीं गठबंधन से नाराज चल रहे लोजपा के कदम को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी रामविलास पासवान और चिराग पासवान को न्योता दे दिया था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। आने वाले दिनों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ नजर आ सकते हैं। वहीं जो तेजस्वी यादव से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हाँ, हम लोग जब भी मिलते जुलते हैं तो हाय हेलो हो जाया करता है। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर आगे ऐसी कोई बात होती है तो सबके सामने होगी। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 43 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 89,706 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,70,128 पर पहुंच गई है। वहीं बीते दिन 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,115 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 73,890 पर पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में जान गंवाने वालों की दर में गिरावट आई है, जिसके तहत अब यह दर 1.69% पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल मिलाकर 8,97,394 लोग सक्रिय हैं, जिसकी कुल मामलों का 20.53% ही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या चिराग पासवान को कांग्रेस की तरफ से हाथ थामने के न्योता को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।